सब्सक्राइब करें जीत रंगोली यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे 14 अप्रैल स्पेशल एक कंपटीशन रंगोली। तो यहाँ पर 3 फीट जगह होना चाहिए हमें ये कंपटीशन रंगोली बनाने के लिए। तो एक 3 फीट का ऊपर से लाइनिंग बनाइए, यानी 36 इंच, 36 इंच, और नीचे में आएगा 28 इंच। तो इतना बॉक्स बनाइए, 36 बाई 28 इंच। यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ में एक संविधान है, इस ये आप गूगल में सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए आपको मोबाइल में, और वो देख के इनको ड्रॉ कर लीजिए। सिंपल है, एक कोट दिख रहे, हाथ दिख रहे, एक संविधान दिख रहे, इतने सिंबॉलिक तरीके से बनाना है यहाँ पर। ओके, बीच में से लिखना है शिखा संगठित हुआ अनि संघर्ष करा। ठीक है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो कोट है, जो शब्द है वो यहाँ पर बताना है। तो हमारा जो मैसेज है रंगोली का, वो सेंटर पे होना चाहिए। ठीक है, ये मेन मैसेज था, शिखा संगठित हुआ संघर्ष करा। लेफ्ट साइड में बाबा साहेब अम्बेडकर के हाथ में किताब है संविधान की, और एक साइड में एक झालर है। नीचे रंगोली को थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए एक पिकॉक ऐड कीजिए, और पिकॉक के साइड में कुछ फूल, ताकि रंगोली और अच्छा लगे। नीचे ये 36 फीट यानी 3 फीट है, 36 इंच है, और नीचे 28 इंच है। ठीक है, इतना ड्रॉ कर लीजिए और फिर कलर भरना शुरू करना। तो करीब करीब हमारा रंगोली कंपटीशन रंगोली 1 घंटे का टाइमिंग देता है कि 1 घंटे में आपको बनाना है। तो 1 घंटे में बनना है तो आपको ये सारे स्केच आपको 15 से 20 मिनट में हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब 15 मिनट में ये कर लीजिए स्केच, और फिर जितना समय बचता 45 मिनट उसमें सिर्फ कलर फिल करना। तो कलर फिल करने के लिए आपके पास छन्नी होना चाहिए, छन्नी में जल्दी से फिल होता है। तो यहाँ पर मैंने पिंक कलर फिल किया, डार्क पिंक, फिर डार्क पिंक और वायलेट को मिला के फिल किया, फिर वायलेट कलर फिल कर रहा हूँ। और इसके बाद आएगा वायलेट कलर और ब्लू कलर, ठीक है। कलर को थोड़ा सा ब्लेंड करते जाइए ताकि ज़्यादा स्ट्रोक ना दिखे, अलग अलग कलर ना दिखे। और इसके बाद आएगा ब्लू कलर, यानी डार्क ब्लू, नेवी ब्लू। ठीक है, झालर में पर्दा में ग्रीन कलर देंगे। तो यहाँ पर जो बैक साइड का जो फोल्ड है, यहाँ पर डार्क ग्रीन देना है। तो अब रंगोली फिलर रखिए, रंगोली फिलर से फास्ट होगा काम। ये रंगोली फिलर कोई भी जहाँ पे रंगोली बेचते हैं रंगोली कलर, वहाँ पर ये फिलर मिल जाता है। तो फिलर ले लीजिए, थोड़ा जल्दी काम होगा आपका, समय भी कम रहता है, और हमें मैटर बहुत सारे बनाना होता है कंपटीशन में। ओके, तो ये डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन फिल किए, उसके बाद डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन को मिलाना है। एक तो आप फिलर के अंदर मिला सकते हो या छन्नी में मिला सकते हो। तो छन्नी में मिलाइए और यहाँ पर फिल कीजिए, जहाँ पे छन्नी नहीं चल रहा है तो आप हाथ से भी फिल कर सकते हो। फिर मैंने डार्क ग्रीन में थोड़ा सा ब्लैक मिलाया, लाइनिंग में ब्लैक दिया, यहाँ पर भी वही डार्क कलर। अब इससे भी थोड़ा सा डार्क कर सकते हो, थोड़ा डार्क कम हुआ। ठीक है, ये जो झालर वगैरह ये सब एक्स्ट्रा डिज़ाइन है, तो आपको इसमें एकदम ज़्यादा समय नहीं बिताना है। आपको सिर्फ जो मोटा मोटा कलर है वो कलर फिल कर दीजिए और आउटलाइन कर दीजिए, ताकि वो वापस दिखे एक झाल पर्दा है बस। एकदम ज़्यादा फिनिशिंग नहीं होना चाहिए कि ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर मिक्स होना चाहिए। आप सिर्फ कलर फिल कीजिए जल्दी से और आउटलाइन कर दीजिए, तो आउटलाइन में आपको समझ में आएगा प्रॉपर पर्दा है करके। ठीक है, क्योंकि आपको जो मेन चीज़ें हैं जो अंदर में और जो संविधान बनाना है में कलर करना वो, तो यहाँ पर जल्दी से कोई भी फेविकॉल बोतल में वाइट रंगोली फिल कीजिए, ऊपर लिखिए शिखा संगठित हुआ संघर्ष करा।
हमारा जो रंगोली का जो थीम था वो यही है, मैसेज यही है। तो ये आप लिख लीजिए रंगोली से, वाइट कलर से, ठीक है। इसके बाद आपके पास करीब करीब समय कम बचेगा, तो यहाँ पर फास्ट आपको जो डार्क ब्लू है, डार्क ब्लू को डार्क ब्लू से आउटलाइन कर लीजिए, और फिर छन्नी से फिल कीजिए। मतलब जो स्काई कलर है, स्काई कलर आप छन्नी से फिल कर दीजिए, क्योंकि इसके ऊपर हमें फिर से ब्लैक से आउटलाइन करना, तो छन्नी से फिल कर दीजिए। थोड़ा सा ओवरलेप होगा कलर तो भी चलेगा। इसके बाद जो साइड में जो गैप बचा था ना, तो यहाँ पर आपको करना है डार्क ब्लू और लाइट ब्लू, यानी स्काई ब्लू को मिक्स करना, जैसा मैं हाथ में मिक्स किया दोनों कलर को, और थोड़ा थोड़ा शेडिंग देना है, ठीक है। यहाँ पर प्लेन मत रखिए, हल्का सा जो से मैंने शेडिंग किया, हल्का सा शेडिंग दीजिए हाथ से ही। यहाँ पर एक टाई दिख रहा है, और टाई के साइड में वाइट शर्ट, ओके। इतना बनने के बाद आप जो संविधान है वहाँ पर रेड कलर फिल कीजिए। और रेड एंड ब्लैक मिला के यहाँ पर फिल कीजिए। इसके बाद स्किन कलर बनाने के लिए हाथ में बना लीजिए, थोड़ा सा स्किन कलर चाहिए आपको, तो थोड़ा सा वाइट कलर लीजिए, थोड़ा सा लाइट पिंक, थोड़ा सा येलो कलर, और थोड़ा सा लाइट ऑरेंज कलर। ये चार कलर मिलाइए, जो स्किन कलर बनेगा वही स्किन कलर का फास्ट हाथ में ही फिल कर दीजिए। इसके बाद आपको ब्लैक से आउटलाइन कर लेना, ठीक है। यदि आप बॉटल से करना चाहते हो, तो जो छोटा फेविकोल का बॉटल होता है वो बॉटल से भी आप आउटलाइन कर सकते हो, पर आई थिंक हाथ से ज़्यादा अच्छा होगा, तो आप हाथ से ही आउटलाइन कर दीजिए। यदि आपके पास समय कम है तो आप बॉटल से भी कर सकते हो, तो आई थिंक बॉटल से हाथ से ज़्यादा फिनिशिंग आएगा, तो हाथ से बना लीजिए। ओके यहाँ पर जो संविधान, भारतीय संविधान है, वो आप यहाँ पर बॉटल मत यूज़ कीजिए। बॉटल यूज़ करोगे तो आपको वहाँ पर समझ में नहीं आएगा, और इतना बारीक बॉटल से नहीं लिखता, ठीक है। तो आप हाथ से लिखिए, पर ये लिखना ज़रूरी है आपको भारतीय संविधान, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हमारे भारतीय संविधान के शिल्पकार थे, तो यहाँ पर वो चीज़ दिखना चाहिए, ठीक है। संविधान जस्ट ये कंप्लीट करने के बाद आपके पास शायद से कम समय और बचेगा, समय और कम बचेगा, तो ये कम समय में आपको पिकॉक का फिदर, पिकॉक को फिल करना। तो पिकॉक में सिंपल डार्क ब्लू फिल कीजिए, चोच में येलो कलर, उसके बाद जो फूल है, फूल में थोड़ा सा कोई भी आपके पास जो जो कलर है, ऐसे जरूरी नहीं कि मैं जो जो कलर दे रहा हूँ वही कलर आपको देना है, आपके पास जो जो कलर अवेलेबल है वही कलर से आप फूल पत्ते बना सकते हो, ठीक है। तो फूल के अंदर येलो कलर, यहाँ पर रेड कलर के फूल दिखाना है, जो बड़ा वाला फूल है। आप चाहे तो यहाँ पर डॉट से कुछ फूल बनाना, तो आप डॉट से भी बना सकते हो, पर ये सारे में आपको देखना है आपको समय कितना है आपके पास, ठीक है। तो ये फूल वगैरह यदि आपके पास बहुत समय कम बचा है, 10 मिनट समय बचा है, तो ये फूल वगैरह मत बनाइए। पहले आप इनको मोर को कंप्लीट कीजिए, ठीक है, और लास्ट में जो फूल समय बचेगा तो ही आप ये छोटा मोटा फूल बनाइए। पर पीकॉक के साइड में जो फूल है वो सिंगल फूल बना लीजिए, ठीक है। पत्ती को भी आप फिलर से फिल कीजिए। ठीक है, फिर इनको आउटलाइन कर लेना है, आइज़ को ब्लैक से आउटलाइन करना है, आई बॉल बनाना है, पिकॉक के गले में माला बनाइए, आप थोड़ा सा डिज़ाइन दे दीजिए वाइट कलर से। ओके वही पीकॉक फिदर में सिर्फ प्लेन कलर फिल कीजिए, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम लिखना है, तो
तो यहाँ पे जो डार्क ग्रीन कलर दिए, तो अभी कैसे सभी में हमने थोड़ा बहुत शेडिंग है, तो ये ग्रीन या डार्क ग्रीन कलर में थोड़ा सा ब्लैक मिलाइए, और उस वो डार्क ग्रीन और ब्लैक मिला के यहाँ पर शेड दीजिए नीचे की तरफ, ताकि ये जो इतना बड़ा जगह है यहाँ पर वो प्लेन ना दिखे, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा शेड दे दिए, और ये जो शिखा संगठित हुआ ने संघर्ष करा, यहाँ इनका जो कोट था ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के, तो यहाँ पर एक नाम लिख दीजिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ठीक है, ये जो पिक ऑफ फीडर है यहाँ पर आप ब्लैक से आउटलाइन कीजिए, यदि आपके पास पट्टा के टूल है तो पट्टा के टूल से इस प्रकार के डिज़ाइन बनाइए हल्का कर्व वगैरह, यदि नहीं होगा तो आप ये जो मैंने जहाँ पे पट्टा बनाया वहाँ पर आप वाइट कलर के लाइनिंग बनाइए या वाइट कलर के डॉट बनाए कि आउटलाइन कीजिए तो भी चलेगा, आपके पास पट्टा नहीं है तो पट्टा के टूल वहाँ पर आप दो लाइन डॉट डॉट से बनाइए दो लाइन, तो भी इतना आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये यदि आपके पास समय नहीं है तो आप इसको ही कंप्लीट कर लीजिए पूरा आउटलाइन करके, यदि आपके पास थोड़ा बहुत समय बचता है तो फिर ये चक्र बनाइए यहाँ पर। ठीक है, पहले वाइट कलर फिल कीजिए, उसमें येलो ब्लू कलर से लाइनिंग बनाइए, और ऊपर का जो बॉर्डर है वो बॉर्डर में ट्राई कलर दीजिए ऑरेंज वाइट और ग्रीन। स्केल को हटा लेंगे, इनको थोड़ा सा जो पट्टा है इनको कंप्लीट करेंगे ये। ठीक है, पट्टन नहीं है आपके पास इन केस तो आप वहाँ पर डॉट डॉट दीजिए दो लाइन डॉट दीजिए वाइट वाला, तो ये बन गया सुंदर सा कंपटीशन स्पेशल कंपटीशन रंगोली। तो ज़रूर ट्राई कीजिए 14 अप्रैल को, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन कर दबा के जरूर लाइक कर देना, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके बताना। ठीक है, कौन कौन ट्राई करने वाले वो भी बताना। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कंपटीशन के लिए ऑल द बेस्ट।